दिल्ली ये आज हमारे एरिया में तहसील लोही मल्हार के बदनोता में हमारे आर्मी के नौजवान शहीद हुए हैं। मुझे बहुत ज्यादा दुख है इस बात का, जो एक हमला हुआ है हमारे एरिया में, इतना पीसफुल एरिया में, जो कभी हमने सोचा तक नहीं था। इस हमले से 1990 की हालात जैसे पैदा किए जा रहे हैं वहाँ पे, और पूरे एरिया में खौफनाक माहौल सा बना हुआ है। और मैं वहाँ के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भरपूर हमारी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की एजेंसियों का साथ दें, और जल्द से जल्द, मुझे पूरी उम्मीद है अपनी इंडियन आर्मी पे, इन मिलिटेंटों को मार के गिराया जाएगा। और अफसोस की बात यह है कि कमी कहाँ रही। पिछले दो महीनों से एक न्यूज़ चल रही है कि यहाँ से मिलिटेंट गुजर गए, वहाँ से गुजर के, और शायद इस पर प्रॉपर तरीके से आर्मी और पैरामिलिट्री के लोगों को जवाब देना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी के ऊपर कि जल्द से जल्द खात्मा होगा। और मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप बढ़ चढ़ कर आप लोगों ने आर्मी का साथ देना है और पैरामिलिट्री फोर्स का साथ देना है। और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, उनको जल्द से जल्द सिलाखों के पीछे डाला जाए।